हरे कृष्णा। आज से दो दिन बाद यानी कि 17 अक्टूबर 2021 को श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। तो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी आप जानते हैं हमारे 6 गोस्वामी हैं, उनमें से एक हैं। तो आज हम आपको श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवन से जुड़ी 21 प्रमुख जानकारियां देंगे। नंबर 1, वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा गांव है श्री कृष्णपुर, वहीं पर श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रकट हुए थे। नंबर 2, व्रज लीला में श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी रस मंजरी या भानुमती हैं। तो ये जो मंजरी हैं बहुत ही प्रमुख हैं जो राधा रानी जी की सेवा करती हैं। नंबर 3, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता का नाम गोवर्धन मजुमदार है और उनके ताया जी जो हैं वो हैं हिरण्या मजुमदार। उनके जो पिताजी थे बहुत बड़े उद्योगपति थे। नंबर 4, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता के साथ हमेशा 7-8 लोग चलते थे और एक व्यक्ति तो सिर्फ चलता था एक थैला लेकर। उसमें क्या होते थे, पैसे? नहीं, पैसे नहीं होते थे, सोने की मुद्राएं होती थी, सोने की मुद्राएं। तो जहां पे भी खर्च करना चाहा खर्च कर दिया। और कुक होते थे साथ में 2-3, मतलब जहां पे भी वो रुके विश्राम करने के लिए उनके लिए वहीं पर वो भोजन बनाने लगते थे। और बॉडीगार्ड्स होते थे हट्टे कट्टे उनकी रक्षा के लिए। नंबर 5, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे बलराम आचार्य जी। तो बलराम आचार्य जी ने बचपन में ही श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को किससे मिलाया, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी से। तो हरिदास ठाकुर जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तो बचपन में ही उनको नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। नंबर 6, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो पिता थे वो वसूली करते थे, यानी कि वो 20 लाख सोने की मुद्राएं वसूलते थे और सरकार को देते थे। तो 20 लाख में से 5 लाख जो है वो खुद रख सकते थे और 15 लाख सरकार को देना होता था। तो जो व्यक्ति ये पहले ये काम करता था वो बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि उसका छीन गया ना, उसके जो उसका काम था वो छीन लिया जॉब। तो उसने पता किया कि कैसे कर रहे हैं काम। तो उसने ये पाया कि 12 लाख सोने की मुद्रा सिर्फ सरकार को दे रहे हैं और 8 लाख खुद रख रहे हैं, मतलब 3 लाख सोने की मुद्रा एक्स्ट्रा अपने पास रखते हैं। तो ये सोने मतलब वसूली, मतलब जैसे कर वसूली टाइप का होता है ना आजकल, जैसे हम टोल टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को और बहुत सारी जगह जो हमारे इनकम टैक्स होता है, तो उस टाइप की पहले वसूली होती थी। पहले तो सब कुछ था नहीं ना, ये सब डिजिटल, तो वसूली करते थे। तो 8 लाख वो खुद रखते थे और 12 लाख सरकार को देते। तो उस व्यक्ति ने जो पहले ही काम करता था जाकर सरकार को कंप्लेन कर दिया कि देख लो जी गड़बड़ है, ऐसे ऐसे चल रहा है, 8 लाख जो है ये रख रहे हैं अपने पास और 12 लाख केवल सरकार को दे रहे हैं। तो जब सरकार को पता चला तो उन्होंने भेजे ऑफिसर्स गिरफ्तार करने के लिए। तो जब उनको पता लगा, उनके पिताजी को जो गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार उनके ताया जो थे, तो वो फरार हो गए, तो जाकर छुप गए। तो आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे वहाँ पर। तो बोला आपके कहाँ आपके पिता ताया? तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बोला पता नहीं मुझको। तो उनको ही गिरफ्तार करके ले गए और ले जाकर इंटरोगेट करने लगे, उनको चिल्लाने लगे, बताओ बताओ कहाँ है तुम्हारे पिता, कहाँ छिपा रखा है इतना जो तुमने धन लिया है, कहाँ है तुम्हारे ताया, बताओ बताओ बताओ, खूब चिल्ला रहे। हाथ नहीं उठाया उनके ऊपर लेकिन चिल्ला रहे थे, बहुत तेज डांट रहे थे। तो काफ़ी देर तक रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सुना, फिर उन्होंने बोला बहुत ही मासूमियत से कि मेरे पिता तो आपके छोटे भाई जैसे हैं, और अगर छोटे भाई से कोई गलती हो जाती है तो बड़ा भाई माफ़ कर देता है ना, ये मतभेद तो चलते रहते हैं, तो आप नाराज मत होइए। तो जब उन्होंने सुना तो जो ऑफिसर था रोने लगा, वो रो के आंसू टपक के, उसकी दाढ़ी थी, दाढ़ी में से आंसू टप 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 करके गिरने लगा, गिरने लगा। मैंने कब बोला ना ले, ले वो, लेकिन हमसे भी बांटे, अकेले मत ले। तो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बोला अच्छा ठीक है मैं समझौता करवाता हूँ आपका। तो फिर बाद में फिर उन्होंने मीटिंग करवाई उनकी पिताजी की और उनकी। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी बिल्कुल परफेक्ट थे। अगर मटेरियली देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि मतलब कि उनको आता नहीं था कुछ, ये तो कैसे है ये भौतिक जगत, तो ये तो क्या रिश्ते होते हैं, कैसे लोगों को डील करना होता है, मेरे को तो आता नहीं, मैं तो बस हरे कृष्ण हरे राम करूँगा, ऐसा नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये तो जी जाके ऐसे ब्रह्मचारी बन गए क्योंकि इनको कुछ आता जाता नहीं था। बिल्कुल परफेक्ट थे वो मटेरियली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। नंबर 7, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास सत्ता और शक्ति प्रचुर मात्रा में थी और धन भोग करने की शक्ति भी थी उनके अंदर, क्षमता भी थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। मतलब अगर चाहते तो दोनों हाथ से इतने धन खर्च करते, इतना धन खर्च करते कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब दोनों हाथ से अगर ऐसे 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 करके फेंकते रहे ना, फेंकते रहे तब भी धन खत्म नहीं होता, इतना धन था।
लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया उन्होंने और एक वैरागी का जीवन अपनाया। नंबर 8, 15 वर्ष की आयु थी श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जी शांतिपुर में आए हैं संन्यास लेने के बाद। भागे बड़ी तेज से, मतलब परवाही नहीं कि अपने माता की अपने पिता की, भाग गए सीधे महाप्रभु जी से मिलने के लिए। नंबर 9, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी फर्स्ट गोस्वामी है, हमारे जो षट गोस्वामी है, 6 गोस्वामी है, उनमें से पहले गोस्वामी है जो कि चैतन्य महाप्रभु जी से मिले फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार चैतन्य महाप्रभु जी से जो मिले गोस्वामी वो है हमारे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी। नंबर 10, जब श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु जी से मिले और उनको पहली बार देखा, अवाक रह गए, मतलब महाप्रभु जी की जो खूबसूरती थी और जो चार्मिंग उनका फेस था, जो ब्यूटी एफुलजेंस, लाइक जो प्रकाश उनके शरीर से उनके चेहरे से निकल रहा था, उसको देखकर अवाक रह गए और देखते ही रह गए। महाप्रभु जानते थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में, लेकिन महाप्रभु जी ने उनको क्या बोला कि अभी तुम घर जाओ और ये जो तुम्हारा प्रेम है भगवान के लिए इसे अंदर रखो, डोंट एडवर्टाइज इट, इसको मतलब बाहर मत दिखाओ, अंदर अंदर बिल्कुल संजो कर रखो इसको, महाप्रभु जी ने कहा। और वो समय आएगा जब कृष्ण तुमको बुलाएंगे और वो रास्ता निकालेंगे, उस समय की प्रतीक्षा करो, फिलहाल तुम घर चले जाओ। तो महाप्रभु जी ने उनको घर भेज दिया वापस। नंबर 11, तो 1516 और 17 के बीच की बात है, एक वर्ष के अंदर कई बार भागे घर से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु से मिलने के लिए कई बार, लेकिन पिताजी उनके जो थे वेरी रिच, तो उन्होंने 10 गार्ड रखे हुए थे। 10 गार्ड सिर्फ इसलिए रखे थे कि कहीं ये भाग ना जाए, तो जितनी बार भागते उतनी बार वो गार्ड या कोई गुप्तचर होता है उनके माता पिता है उनको पकड़ के ले आते, हर बार उनकी भागने की कोशिश जो है वो नाकाम रहती। नंबर 12, तो जो उनकी माता जी थी वो बहुत परेशान हो गई, ऑफकोर्स माता का तो हृदय ऐसा ही होता है, तो उन्होंने जो अपने पति से कहा, मतलब कि श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिताजी से कहा कि ये तो हमारा बेटा ऐसे चला जाएगा, ऐसा करते हैं इसको जंजीर से बांध लेते हैं, हाँ जंजीर से बांधकर इसको बंदी बनाकर रखते हैं, तब ये भाग ही नहीं पाएगा। तो जब उनके पिताजी ने सुना ये, उनकी माताजी ऐसे बोल रही हैं, तो पिताजी ने कहा मूर्ख स्त्री, तुम देखते नहीं उसका विवाह मैंने स्वर्ग सी सुंदर अप्सरा से करवाया है, अरे उसको तक तो वो देखता नहीं है, वो क्या तुम्हारी जंजीर से बंधेगा। जिस पर महाप्रभु जी का एक बार प्रेम चढ़ गया उसे कोई नहीं रोक सकता। तो उनके पिताजी ने ऐसे डांटा अपनी पत्नी को। नंबर 13, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी को पता चला कि पानीहट्टी में नित्यानंद प्रभु जी आए हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं बार बार चैतन्य महाप्रभु जी से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उनसे नहीं मिल पा रहा, तो क्यों ना मैं नित्यानंद प्रभु जी के ही दर्शन करूं जाकर। तो चले गए, जाकर देखा तो नित्यानंद प्रभु एक चट्टान पर बैठे हुए थे और उनकी जो आभा, जो कांति थी उनके शरीर से इतनी ज्यादा निकल रही थी कि वो उनके पास जा ही नहीं पाए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी, बस दूर से ही खड़े होकर उनको देखते रह गए। तो किसी ने जाकर बताया नित्यानंद प्रभु से कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी आए हैं, तो जब नित्यानंद प्रभु जी ने सुना, देखा रघुनाथ दास गोस्वामी जी को देखा और बोला चोर, तुम मुझको दर्शन देने आए हो, चोर कहीं के, आओ मैं तुमको दंड देता हूं। तो नित्यानंद प्रभु जी ने क्यों चोर कहा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, क्योंकि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु से मिलना चाह रहे थे बार बार, और महाप्रभु जी की सेवा नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है, अगर कोई नित्यानंद प्रभु को क्रॉस करके महाप्रभु तक पहुंचना चाहेगा इम्पॉसिबल, कभी नहीं पहुंच सकता। तो इस समय क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम सोचे कि हम डायरेक्ट जाकर भगवान की सेवा ले लें, भगवान कृष्ण से डायरेक्ट हम सर्विस ले लें, डायरेक्ट उनकी सेवा करें, इम्पॉसिबल। वैष्णव और गुरु ये माध्यम है जो हमें भगवान तक ले जा सकते हैं, डायरेक्ट हम भगवान तक तो क्या, भगवान के धाम के आसपास भी नहीं भटक सकते, कदम तक नहीं रख सकते हम। नंबर 14, सारे जो भक्त थे वहां पर वो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु जी के निकट ले गए और नित्यानंद प्रभु जी ने अपना चरण श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मस्तक पर रखा, आशीर्वाद दिया, और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने फिर उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा कि तुम समझ नहीं रहे, केवल सेवा करने की इच्छा होना काफी नहीं है, सेवा करने का एक माध्यम होता है। जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं तो वैष्णव संतुष्ट होते हैं, उससे क्या होता है,
गुरु संतुष्ट होते हैं, और जब गुरु संतुष्ट होते हैं तो फिर कौन संतुष्ट होता है? भगवान। और जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो हमारी समस्त आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, मुझसे छुप रहे थे तुम, अब मैं तुमको दंड दूंगा, और तुम्हारा दंड ये है कि जितने भी लोग हैं यहां पर, जितने भी भक्त हैं यहां पर, सबको दही चिवड़ा खिलाओ। तो पानी हट्टी में जितने भी भक्त थे उनको दही चिवड़ा खिलाने के लिए बोला। तो श्री रघुनाथ दास को स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए, ऐसा दंड, अरे ये तो कृपा है कि भक्तों का सेवा करने का मुझे अवसर मिल रहा है, और उनके पास धन की तो कोई कमी नहीं थी। जब ये बात पता चली वहां के व्यापारियों को, तो सारे व्यापारी आ गए दही लेकर, चिवड़ा लेकर, संदेश लेकर, केले लेकर, वहां पर आकर दुकान लगा ली। सारे जितने भी व्यापारी आए थे उन सबका सारा दही, सारा चिवड़ा, सारा केला और सारे संदेश खरीद लिए शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने। धन की क्या कमी थी उनके पास, बहुत पैसे थे। और फिर सारे भक्तों ने वहां पर फिर दही चिवड़ा खाया। नंबर 15, नित्यानंद प्रभु जी की प्रेरणा से वहां पर चैतन्य महाप्रभु जी भी आ गए, लेकिन वो सिर्फ नित्यानंद प्रभु जी को ही दिख रहे थे। तो वहां पर इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि एक पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और इवन मतलब जमीन पे तो लोगों की जगह थी नहीं, लोग गंगा में भी घुस गए, वहां पर गंगा नदी थी तो उसके अंदर भी लोग जाकर खड़े हो गए, वहां पर खड़े होकर दही चिवड़ा खा रहे हैं, इतने सारे लोग आ गए थे। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को सेवा नहीं मिल रही थी, और नित्यानंद प्रभु जी ने उन्हें यह अवसर प्रदान किया सेवा का। नंबर 16, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आहार क्या था? एक दिन वो कुछ नहीं खाते, बिल्कुल उपवास, और एक दिन बस एक दोना छोटा सा छाछ पीते थे, और कभी कभी तो वो भी नहीं पीते थे। 22 घंटे नाम जप करते थे। नामाचार श्रील हरिदास ठाकुर जी बचपन में आशीर्वाद मिला था ना, पूरी कृपा हो गई थी, 22 घंटे वो नाम जप करते थे। नंबर 17, 2000 बार वो वैष्णवों को प्रणाम करते थे और 1000 बार भगवान को। नंबर 18, एक पुस्तक लिखी श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, जिसमें उन्होंने लिखा कि मन, तूने विषय और विकारों पर तो विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन क्या तूने लाभ और प्रतिष्ठा पर विजय प्राप्त की है? तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो विषय विकार हैं उन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भावना, मुझे सब जाने, मेरे बारे में बातें करें, मेरा सम्मान करें, ये हमारे अंदर रह जाती है। तो उन्होंने वही चीज लिखी उस बुक में। नंबर 19, जब श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी वृंदावन में थे तो सनातन गोस्वामी जी ने एक बार देखा कि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी बैठकर जप कर रहे हैं, नाम जप में पूरी तरह तल्लीन, और राधा रानी जी उनके ऊपर ऐसे अपनी चुन्नी करके खड़ी हुई हैं, क्योंकि उनको धूप लग रहा था, तो राधा रानी जी अपने भक्त की सेवा कर रही हैं। और एक बार देखा सनातन गोस्वामी जी ने कि वो राधा कुंड में थे, वहां पे दो शेर आए हुए थे, और कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा कर रहे थे, देख रहे थे कि कहीं शेर उनके पास ना आ जाए। तो सनातन गोस्वामी जी बहुत क्रोधित हुए, बोले क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर सेवा करने आए हो, सेवा लेने आए हो, राधा रानी और भगवान कृष्ण तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, ऐसे मत करो, भजन कुटीर बनाओ। तो फिर उन्होंने वहां पर भजन कुटीर बनाई और वहां पर रहने लगे। नंबर 20, 1586 23 अक्टूबर के आसपास श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कृष्ण की नित्य लीला में समाहित हो गए। तो इसी दिन, जिस दिन उनका तिरुभाव आता है, उसी दिन उनके जो शिष्य हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, उनका भी तिरुभाव आता है। और हमारे जो एक और गोस्वामी हैं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, उनका भी तिरुभाव आता है, तीन तीन गोस्वामी का। तो इन दोनों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। नंबर 21, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि राधा कुंड में है, तो आप सब लोग जाकर वहां पर दर्शन कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने भगवान की सेवा की, हरिनाम का जप किया, तपस्या की और भगवान की नित्य लीला में अंततः प्रवेश कर गए, वैसे ही थोड़ा 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 हमको भी देते रहें, ताकि हम भी नाम जप कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें और भगवान की नित्य लीला में हम भी प्रवेश कर सकें। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर जनरल कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते। तो इंस्टाग्राम की आईडी हमने दे दी है स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं आप इंस्टाग्राम में अगर पूछिए, और जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं, जनरल हैं, वो आप यहीं पर कॉमेंट बॉक्स में ही पूछिए, ताकि हमारी टीम आपको उसका जवाब दे सके। थैंक यू। हरे कृष्णा।